फेफड़े जो रिब्स है, तो उसके 5 रिब्स टूटे हुए थे। और 5 रिब जब टूटते हैं तो अंदर की तरफ टूटते हैं, तो उसका जो बाएं वाला फेफड़ा था उसमें 5 जगह पर छेद हो गया, और जो लंग था लेफ्ट साइड वाला उसमें बॉडी फ्लूइड और ब्लड पूरा भर गया था। ये उसके चोट थे। जब नर्स ने ये मुझे बयान किया तो मैंने नर्स से सीधा सवाल पूछा, क्या बंदा बचेगा? और जैसे डॉक्टर साहब लोग आमतौर पर होते हैं, ये नर्स ने बोला, सर मैं नहीं जानती हूं। तो हम लोग जो वर्दी पहनते हैं थोड़े, मैं बोला ना, दिल से करते हैं हम काम, दिल से। तो मैंने अपने सोच में मुझे यह लगा कि अगर मैं उससे बात कर सकता हूं 1 सेकेंड, तो हमारे जो 1000 जवान हैं उनका जो मन का शक्ति है, जो दिल का शक्ति है, वो मैं उस तक भेजूं टेलीफोन के थ्रू। मैंने नर्स को पूछा, क्या मैं बात कर सकता हूं उससे? तो उसने बोला कि साहब 6 दिन हुए, इसने आज तक बात नहीं कही है। इसकी आंखें खुले तो है, लेकिन ये क्या सुन सकता है, क्या महसूस कर सकता है, क्या बोल सकता है, मैं नहीं जानती हूं। मैंने फिर भी बोला कि आप फोन का जो हैंडसेट है उसके पास रख सकते हो? तो उसने बोला हां। तो उसने फोन उसके हैंडसेट उसकी कान के पास रखा। मैंने उस टाइम उससे पूछा था, निंबाराम उसका नाम है, वो सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है। मैं बोला, निंबाराम क्या हाल है तेरे? 15 या 20 सेकेंड गुजरे, कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो खत्म हो रहा है, शायद वो सुना ही नहीं मेरी बात, शायद वो बोल नहीं पा रहा है। मैं फोन रखने वाला ही था अपनी तरफ से, क्यों उस टाइम तक मेरा दिल पूरा ही टूट चुका था। फोन मैं रखने वाला ही था, एक बिल्कुल पतली सी आवाज में जवाब आया, इतना चोट खाने के बाद बिस्तरे पे पड़ा हुआ है जवान पतला सा आवाज में बोलता है मेरे से कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। और फिर बाद में बोलता है, और फिर बाद में बोलता है, साहब मैं तो ठीक हूं, अपने पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? आपको आपको कहानी सुनना है तो कहानी ऐसे सुनो, कहानी सुनाना है तो कहानी ऐसे सुनाओ। जो जवान खुद मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है, वो मृत्यु के आंखों में आंख डाल करके खड़ा है उस वक्त, और वो सिर्फ सोच रहा है अपने टोली में बाकी बंदों के बारे में। ये होता है सेल्फलेसनेस, ये होता है किसी और को त्याग करने का काबिलियत। अगर अगर आज के तारीख पे तिरंगा लहराता है गर्व से हवा में, ऐसे लोगों के वजह से लहराता है। यही वो सांस है जिससे ये देश जीता है। और इसी जवानों के वजह से मैं हमेशा कहता हूं, मुझे 5000 जन्म दे दो, मैं दोबारा यही वर्दी पहनूंगा।